हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है, हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीट किया पोर्शन, तो अभी हमारा इस चैप्टर के अंदर एक पोर्शन और रहता है एनिमल्स के अंदर डाइजेशन, जो किस तरह से होता है रूमिनेंट्स के अंदर, जो मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस किस तरह से होती है, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कस करते हैं कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने लिए थे उनके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर बन सकते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर कितने मिल्क टीथ होते हैं। तो एज यू ऑल नो देयर आर 20 मिल्क टीथ। परमानेंट टीथ जो है वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। लेकिन जो मिल्क टीथ की अगर हम बात करते हैं, टेम्परेरी टीथ की अगर हम बात करते हैं, तो वो कितने होते हैं, 20 होते हैं ओनली। एंड इन द सेकेंड क्वेश्चन, नेम द टीथ विद द फ्लैट एंड ग्रेडिंग सरफेस। तो कौन से ऐसे टीथ्स होते हैं जिनकी सरफेस फ्लैट होती है और उनका फंक्शन जो है वो ग्रिंड करना होता है फूड को। देखो, इंसीजर का काम है टू बाइट और केनाइन का काम होता है टू टियर अप द फूड, ठीक है। लेकिन जो मोलर्स एंड प्रीमोलर्स हैं उनका काम क्या होता है, ग्रिंड एंड क्रश करना। तो यहां पर क्या है, मोलर प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आता है टीथ विच हैव फ्लैट सरफेस एंड द फंक्शन इज ग्रिंडिंग ऑफ फूड। What is the long tube with the large number of finger-like projection called? ऐसी लंबी ट्यूब जिसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर में finger-like projections हो, उसको क्या कहते हैं? That is called small intestine. उसको क्या कहते हैं? Small intestine के अंदर हमें पता है absorption होता है, absorption of food होता है। तो small intestine is a long tube with a large number of finger-like projection called small intestine. ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, व्हाट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर सोल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड। कि यानी कि एक सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड से सिंपल फॉर्म में फूड के टूटने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये मैंने आपको, जैसे हम डाइजेशन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही डाइजेशन बोलते हैं। तो दिस इज नोन एज डाइजेशन। Now, what is the function of tongue? Tongue का क्या function होता है? Tongue हमारा जो mouth के अंदर एक freely movable part है, कि mouth के अंदर एक freely move करने वाला part होता है, जिसका एक end free होता है, एक end है वो floor of the buccal cavity के साथ fuse होता है, ठीक है। अब इसका main function क्या होता है, क्योंकि हमें पता है हमारे mouth के अंदर salivary amylase enzyme produce होता है salivary gland से, जिसका काम होता है sugar को digest करना। अब स्लाइवरी एमाइलेज तभी डाइजेस्ट कर पाएगा सुगर को, अगर स्लाइवरी एमाइलेज अच्छी तरह से फूड के अंदर मिक्स होगा। तो वो मिक्सिंग का काम कौन करती है, टंग करती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, स्वेलनिंग, फूड को निगलना, निगलने में भी टंग है वो हमारी हेल्प करती है। जब हम पूरी तरह से चीव किया हुआ फूड निगलते हैं, स्वेलनिंग करते हैं, तो उसके अंदर भी टंग हमारी हेल्प करती है। हाउ डज अमीबा कैप्चर द फूड। जैसे कि आपको पता है कि अमीबा किस तरह से फूड को कैप्चर करता है, कि व्हेन फूड कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद अमीबा इट ग्रोस और इट फॉर्म ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टेक द फूड इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल की फॉर्म में ये क्या कर लेता है, फूड को अंदर ले लेता है। तो क्या रहेगा, अमीबा ग्रोस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया सराउंड द फूड, फूड के चारों ओर, एंड द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी बाय ऑफ अमीबा इन फूड वैक्यूल, इन फूड वैक्यूल बाय दीज स्यूडोपोडिया, बाय दीज स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड है वो फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है। फूड वैक्यूल के मतलब जो फूड है वो कैसे जाता है, इन द फूड वैक्यूल, किस तरह से जाता है, इन द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल बनकर बॉडी के अंदर इंटेक हो जाता है फूड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड फाइंड द नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन ह्यूमंस। कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में बताओ। जैसे कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है अभी तक कि टीथ के बारे में पढ़ा है, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ भी हमने पढ़ा है कि कौन कौन से टीथ होते हैं, जिसमें हमने इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स के बारे में पढ़ा था। उनके नाम बताने हैं और उनके नंबर बताने, टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टीथ कितने होते हैं। तो मिल्क टीथ जो हमने पढ़े थे कितने होते हैं, अब हम परमानेंट टीथ पढ़ेंगे। तो द फोर टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस आर, ह्यूमंस के अंदर जो चार तरह के जो टीथ होते हैं
वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इंसीजर्स, द फ्रंटल फोर इन ईच जा, ये क्या होते हैं? फर्स्ट फोर टिथ्स होते हैं इन ईच जा, हर एक जा के अंदर, ऊपर अपर एंड लोअर जा के अंदर। उसके बाद में आते हैं केनाइंस, केनाइंस वन ऑन आइदर साइड ऑफ इंसीजर इन ईच जा, कि इंसीजर के दोनों साइड में एक एक होता है हर एक जा के अंदर। तो यानी कि दो ऊपर वाले जा में हो गए, दो नीचे वाले में, तो कितने हो गए? फोर। तो यहां पे ये टोटल कितने हो गए? इंसीजर कितने हो गए? इंसीजर्स हो गए एट इन नंबर, ये हो गए फोर, टू इन ईच जा। उसके बाद में प्रीमोलर्स टू फ्लैट टीथ नेक्स्ट टू दैट केनाइन ऑन बोथ साइड ऑफ ईच जा, हर एक जा के अंदर बोथ साइड में होते हैं, यानी कि दो होते हैं हर एक साइड के, हर एक जा के बोथ साइड में दो दो होते हैं केनाइन के बाद में, तो दो इधर दो उधर, फोर एक जा के अंदर, टू जा के अंदर कितने हो गए? एट, क्योंकि ह्यूमंस के केस में क्या होते हैं हमारे पास? टू जाज होते हैं, तो यानी कि प्रीमोलर्स कितने हो गए हमारे पास? एट। मोलर्स क्या है? नेक्स्ट थ्री टू द प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स से नेक्स्ट थ्री है दोनों साइड में ईच जाके, तो थ्री एंड थ्री सिक्स हो गए एक जा के अंदर, और दोनों जा के अंदर कितने हो गए? ट्वेल्व हो गए। तो अब देखते हैं ये टोटल कितने हो गए, देर आर टोटल 32 परमानेंट टीथ, कितने हो गए? एट प्लस फोर ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व 32, तो देर आर टोटल 32 टीथ। उसके बाद में क्या है, जिसके अंदर क्या है? परमानेंट टीथ इन विच एट आर प्रीमोलर इंसीजर, फोर आर केनाइंस, एट आर प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर 12, ठीक है। उसके बाद में व्हाट आर द विलाई राइट देयर फंक्शन, जैसे कि हमने किया था कि विलाई आर द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, की जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होनी होती है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए वो मॉडिफाई कर लेती है अपने आप को, तो वो मॉडिफिकेशन किस तरह से होती है? इसी विलाई से होती है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, कि इंटेस्टाइन की वॉल है वो मॉडिफाई होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती है अपने अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। और वो विलाई का क्या फंक्शन रहता है वहां पर? विलाई जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, जैसे हमने पढ़ा था कि सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, कि ज्यादा एरिया दे देती है फॉर एब्जॉर्प्शन, कि अगर विलाई नहीं होती तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कम एरिया होता जिससे कि डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता, तो विलाई क्या करती है वहां पर? ज्यादा एरिया दे देती है, यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, इंक्रीज द, दिस इज द फंक्शन। ये क्या हो गया? इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। तो विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद में व्हाट डज द गैस्ट्रिक जूस कंटेन, तो हमें पता है गैस्ट्रिक जूस कंटेन एंजाइम पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एंड म्यूकस। देखो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। HCl क्या करता है? HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन काम करेगा। और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस HCl से स्टमक की वॉल को बचाएगा। तो ये तीन चीजें हमने स्टमक के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद में व्हाट हैपेंड टू द फॉलोइंग ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फैट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फैट प्रोटीन एंड स्टार्च के साथ क्या होता है ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के अंदर? तो हमें पता है कि फैट, अभी डाइजेशन का मतलब है सिंपल सब्सटेंस में टूटना, तो फैट है या लिपिड है, फैट और लिपिड एक ही चीज होती है, तो फैट और लिपिड्स आर डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड, याद रखना पड़ेगा। फैटी एसिड के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड्स के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, एंड स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड इनटू सिंपल शुगर, और सिंपल शुगर क्या होती है? सिंपल शुगर ग्लूकोज या फ्रुक्टोज होती है। तो ये क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दैट टॉपिक जो हमने इस चैप्टर के अंदर किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन किसी तरह के हो सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।